जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स मोटिवेशन चैनल। जी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जी लाइन्स हार्ट वेट लिफ्टिंग क्लब के अंदर, और यहाँ पे आपको बताते चलें कि सिंध का जो यूथ कामयाब जवान प्रोग्राम का जो स्क्वाड है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, और यहाँ पे इनको जो खिजर हयात साहब की ये वेट लिफ्टिंग की क्लब है, यहाँ पे इनको ऑनररी जो है वो ट्रेनिंग जो जितने दिन उन्होंने ट्रेनिंग करनी है उसके लिए ऑनररी जो है इन्होंने फैसिलिटी प्रोवाइड की है। तो जी मैं आपको तारुफ करवाता चलूँ, हमारे साथ जी अब्दुल वहाब कागजी साहब मौजूद हैं, और ये सिंध से इन्होंने अब यहाँ पे हमें ज्वाइन किया है, और अभी ये कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए जो इनकी जो इनका स्क्वाड है उसको लेके आए हैं, और ये अगले जो मज़ीद 3-4 दिन हैं उसमें ये बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, तो हमें भी देखने को मिलेगा कि सिंध का जो टैलेंट है वो किस कैपेसिटी का है और किस तरह वो पार्टिसिपेट करेंगे और उनके क्या परफॉर्मेंस के लेवल हैं। आइए हम लोग अब्दुल वहाब के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं और देखते हैं। अब्दुल वहाब, मैं बताता चलूँ, अब्दुल वहाब साहब जो है वो प्रोविंस लेवल के जो एथलीट रहे हुए हैं और बड़े एक्टिव एथलीट थे, और आजकल जो है वो सीनियर कोच हैं सिंध के, और अभी जो है यंग टैलेंट को डेवलप कर रहे हैं, उनको मेन स्ट्रीम लाइन में लेके आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप अपने थोड़ा सा आइडियाज को शेयर कीजिएगा कि आपको लाहौर में आके और ये जो प्रोग्राम्स का जो रिवाइवल हुआ है उसमें कैसा आप फील कर रहे हैं? अजय सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाहौर में हम तकरीबन 15 तारीख को हम पहुँचे हैं, तो इधर नौजवान टैलेंट हंट का ओपनिंग सेरेमनी का प्रोग्राम था आज 16 को, तो हम उधर गए थे, तो बच्चों ने जो है ना 2-3 दिन से ट्रेनिंग नहीं की थी, तो फिजर हयात साहब हमारे पुराने दोस्त हैं और हमारे अमन हैं, उनके साथ बहुत गुजारा है, तो मैंने उनको गुजारिश की कि मैं आ जाऊं आपकी जिम पर, और विज़िट भी हो जाएगा आपकी जिम का, और ये बच्चे जो मेरे साथ आए हैं सिंध के, तकरीबन 20 बच्चे हैं मेरे साथ, तो यहाँ पर इसलिए आए हैं कि नौजवान टैलेंट हंट प्रोग्राम के हवाले से वो पार्टिसिपेशन करेंगे पाकिस्तान के मुकाबले के लिए। तो मैंने कोशिश की है कि नौजवानों में वेट लिफ्टिंग का जो है मयार बेहतर किया जा सके। खिज़र हयात साहब के पास हम सीखने के लिए आए हैं, क्योंकि शागिर्दी के लिए कोई उम्र नहीं होती, तो हमारा मुझे तो बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि यहाँ क्लब पर आके जो मैंने क्लब देखी, और खिज़र हयात साहब से भी मेरी मुलाकात हुई और आपसे भी मेरी मुलाकात हुई, तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ, और लड़के माशाल्लाह जो वो भी आए यहाँ पर, तो वो भी बहुत अपने आप को इजी फील कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं, और ये महसूस कर रहे हैं कि वो ऐसे समझ रहे हैं कि हम अपने क्लब में आए हैं। हमें खिज़र हयात साहब ने इतनी इज्जत दी है कि हम तो ऐसे महसूस कर रहे हैं कि हम अपने क्लब में आए हैं और अपने क्लब में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इज्जत दी, हमें बुलाया और हमसे बातें की, आपका बहुत शुक्रिया। सर क्लब, सर ये आपकी अपनी है लाइन्स हार्ट वेट लिफ्टिंग क्लब लाहौर में, ये आपकी अपनी क्लब है, जब मर्जी आप आए, ये आप लोगों की क्लब है, और हम लोगों ने एक कलेक्टिव एफर्ट करनी है और वेट लिफ्टिंग को प्रमोट करना है। आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी जी, प्रोफेसर खिज़र हयात साहब जो है वो अब्दुल वहाब साहब जो सिंध के ऑफिशियल हैं, जो टीम लेके यहाँ पे आए हैं, उनके ऑनर में उनकी खिदमत में जो है शील्ड एक पेश कर रहे हैं लाइन्स हार्ट वेट लिफ्टिंग क्लब की जानिब से, और उनके साथ जो है वो वासिफ अनीब भट्ट भी मौजूद हैं। जी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।